पहनती हूँ, मैं जब भी पहनती हूँ तब हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज बहुत टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर रहे हैं कि दीदी कहाँ पे गायब हो गए हो, प्लीज़ हम लोग आपके ब्लॉग का वेट कर रहे हैं, ब्लॉग डालो। बट मैं गायब नहीं हुई थी, मेरा फ़ोन गायब हो गया है, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, 8 दिन से रिपेयरिंग में ही है। पूरा डेटा अभी तक तो उसमें है, बट रिपेयरिंग में गया तो पता नहीं, आई होप सो मिल जाए। बोलते हैं ना कि जिस चीज़ से हम ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मेरा तो ऐसा ही है। बिकॉज़ मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, मेरा फ़ोन के साथ इशू होते ही होते हैं। लाइक मैं दुबई गई थी तो मेरा फ़ोन वहाँ पे घूम गया था, बहुत मेहनत के बाद मिला भी वापस। फिर मैं गोवा गई थी तो मैं गोवा से व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली थी, गोवा की फ़र्स्ट डे पे ही मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। सो दुबई पे भी जब भी मेरा फ़ोन ख़राब हुआ ना, तो लास्ट सॉरी दुबई में मेरा फ़ोन जब भी घुमा था तो लास्ट डे पे घुमा था। सो मुझे बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज दुबई के 6 दिन के फ़ोटो थे उसमें, एंड गोवा के तो फर्स्ट डे पे ख़राब हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फ़र्स्ट डे पे क्यों ख़राब हुआ, मैं फ़ोटो कैसे निकालूंगी। एंड अभी फिर से मैं रक्षाबंधन के टाइम हम लोग घूमने गए थे एंड फिर से मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। मतलब अभी घर पे मेरे फ्रेंड्स को सब लोगों को पता है कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ मेरे फ़ोन के साथ कांड होता ही होता है, और मुझे फ़ोन का इतना ज़्यादा एडिक्शन है ना कि मैं फ़ोन के बिना नहीं रह सकती हूँ। मतलब अगर मेरी कोई गोल्ड की चीज़ घूम जाए, टच वुड आज तक घूमी नहीं है कभी, बट कुछ भी टूटता है कुछ भी घूमता है तो मुझे इतना टेंशन नहीं आता। बट फ़ोन को कुछ होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा मूड भी ख़राब होता है। बिकॉज़ यार सब कुछ उसमें रहता है और उसी से पूरा दिन अपना काम चलता है। सो पता नहीं यार फ़ोन ठीक होगा कि नहीं पता नहीं, डेटा मिलेगा कि नहीं पता नहीं। जब भी पहली बार फ़ोन ख़राब हुआ था गोवा के टाइम, तो तभी भी मैं वहाँ पे 6 दिन बिना फ़ोन की थी। मतलब कैसे निकाले मैंने 6 दिन मुझे ही पता है, वो भी जब भी हम घर पे रहते तो ठीक है, इस बार तो मैं घर पे थी, बट हम घूम रहे तो मुझे इतनी स्टोरीज़ निकालने को चाहिए। फिर हर टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसका स्टोरी लेना है, उसका स्टोरी लेना है। फिर भी मैंने कल्पेश की फ़ोन में मेरा इंस्टाग्राम ओपन किया था, बट कितना बेचारे से उनका भी फ़ोन मांगू ना, ख़राब हुआ। उसमें मेरी क्या गलती है, जब भी गोवा के टाइम भी ख़राब हुआ था तो वो पड़े पड़े ही ख़राब हो गया था, पड़े पड़े आई मीन वो चार्जिंग में था एंड वो ख़राब हो गया। सेम अभी भी रात को जब भी सोए तब तो ठीक था। मैं सुबह उठी और अचानक से मुझे पता चला कि मेरा स्क्रीन, लाइक सुबह उठ के हम लोग पहले ऑब्वियसली फ़ोन देखते हैं, सो मैंने फ़ोन देखा तो ओ शिट, मेरा फ़ोन वाइड स्क्रीन हो गया था। मुझे इतना ज़्यादा टेंशन आया, मैंने सोचा मैं घर पे किसी को नहीं बताऊंगी, बिकॉज़ मुझे पता था कि अगर मैं बताऊंगी तो ऑब्वियसली मुझे डांटी पड़ने वाली है। एंड सबसे पहले सबका यही होता है कि तेरा ही फ़ोन क्यों ख़राब होता है। सो जैसे ही मैंने सोचा कि काम ख़त्म होगा मैं भागूंगी, मैं मार्केट में हर जगह पे, हर शॉप पे, मतलब जो भी मोबाइल रिपेयर होता है, जहाँ पे आईफोन रिपेयर होता है, सब जगह पे मैं पूछ के आई कि होगा कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं। सो सबका वही कि नहीं नहीं आपको डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। और मैं सोच के गई थी कि घर पर मैं किसी को नहीं बताऊँगी और आज मैं किसी भी हालत में फ़ोन रिपेयर करा के आऊँगी, बट नहीं हुआ मुझसे। सो मुझे सबको बताना ही पड़ा, बट मुझे डांट भी नहीं पड़ी। ऐसा रहता है ना कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा डरते हैं तो डांट नहीं पड़ती है। सो वो फ़ोन का कितने दिन तक वेट करूँ ना, अभी फाइनली मैंने आज न्यू फ़ोन ले लिया है। सो फाइनली व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, अगर वो फ़ोन ठीक हो गया, अगर वो फ़ोन ठीक हो गया तो उसका डेटा मुझे मिलेगा, तो फिर उसके वीडियोस अपलोड होंगे, अदरवाइज सब वीडियोस गए, 6-7 व्लॉग्स है उसमें, एंड बाकी भी मेरे नेल्स के भी बहुत सारे वीडियोस एंड पिक्चर्स हैं। सो पता नहीं, पहले जब भी मेरा फ़ोन ख़राब हुआ ना तभी पूरा स्क्रीन ग्रीन हो गया था, सो 8 दिन तक ग्रीन ही ग्रीन था। इस बार मेरा फ़ोन ख़राब हुआ तो पूरा स्क्रीन वाइट हो गया था। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, घर में सब बोलते हैं हम भी फ़ोन यूज़ करते हैं, हमारे साथ नहीं होता, तेरे साथ ही क्यों होता है। और जब भी फ़ोन नहीं रहता ना तभी हमारे साथ इतनी चीज़ें होती हैं ना, जैसे अभी भी फ़ोन ख़राब था तो अभी जन्माष्टमी था, फिर बहुत कुछ था, बट ऐसा लगता है कि यार मेरे पास फ़ोन होता तो मैं ब्लॉग बनाती। इतने सारे इवेंट्स थे, हम लोग जन्माष्टमी के टाइम सब फ्रेंड्स ने नाइट आउट किया था, इतने अच्छे अच्छे गेम्स खेले थे हम लोग ने, बट उसका भी ब्लॉग नहीं बना पाई।
एंड आज से ना भागवत कथा भी स्टार्ट हो रही है अपने यहाँ पे. सो कथाकार जो रहते हैं, मतलब जो वक्ताश्री है, वो अपने घर पे आएंगे पहले एंड यहाँ से सारी पोथीज एंड लेकर फिर जहाँ पे कथा होने वाली है वहाँ पे जाएंगे. सो उसका भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना है अभी. हैंग तो सेफ्टी पिन लगा कर ही सकते हैं. भाभी आप थोड़ी छोटी था से आपको नहीं कवर था. बड़ा जान पाता है इसको. ट्रेडिशनल कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लाइक ये लिया हो, कुर्ता हो, कुछ भी हो. शकल देखो प्लीज गुड बॉय है ना. मेरा बस चले ना तो मैं टियान को रोज कुर्ते पहनाऊं, है ना टियान? टियान और उसके डैडी दोनों को बहुत आलस है ट्रेडिशनल कपड़े पहनने का. बस कंफर्ट चाहिए उनको, कुर्ते में इतना ज्यादा कंफर्ट नहीं रहता है. टियान इज लुकिंग सो स्मार्ट ना. कंफर्ट है जी, एटलो कंफर्टेबल कुर्तो छे, कॉटन नो कुर्तो छे, एटलो तो कंफर्टेबल छे. ये फोल्ड कर दूँ हम लोग ने बांधनी पहनने का डिसाइड किया है, बट बारिश इतनी ज़्यादा है बाहर कि पूरा पता नहीं साड़ी का क्या होने वाला है, इसलिए बहुत पुरानी एंड सिंपल साड़ी निकाली है हम लोगों ने. यार दोनों में से कौन सी साड़ी पहनूं मैं? विच वन? ब्लू ना, इवन आई लाइक ब्लू कलर. या ऐसे कलर ना मुझे थोड़े कम पसंद है, बिकॉज ऐसे लगता है कि इसमें थोड़ा बूटे टाइप्स लगेंगे. और ये कलर तो मेरा साड़ीज में एंड ड्रेसेस में मोस्ट फेवरेट कलर है. और टिया ने भी बोल दिया तो यही पहनेंगे. एंड आई एम रेडी, चलते हैं अभी. साड़ी पहनना मुझे बहुत पसंद है. आई नो मैं बहुत कम पहनती हूँ, बहुत ओकेजनली पहनती हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना. ओ शिट, मैंने बैंगल्स नहीं पहने और मैं बोल रही हूँ मैं रेडी हो गई हूँ. बैंगल्स पहनना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी थोड़े नहीं, इतना बड़ा बड़ा चूड़ा पहनती हूँ मैं जब भी पहनती हूँ तब. नहीं पहनती हूँ तो मम्मी मुझे वही बोलती कि जब पहनती तो इतना सारा पहन लेती है, नहीं पहनती तो कुछ भी नहीं पहनती.
मेरी फ्रेंड ने बैंगल्स दिए मुझे आज, मेरी साड़ी की एकदम मैचिंग है यही पहनकर। ये मेरी फ्रेंड ने बनाई है, बहुत अच्छी बैंगल्स बनाती है वो, हैंडमेड है पूरा। डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ मैं आप लोगों को, नवरात्रि के लिए ऑर्डर कर सकते हो आप लोग। बिंदी लगाना मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। पूरा रेडी होना अच्छा लगता है बट बिंदी लगाना नहीं अच्छा लगता है, बट लगाना पड़ता है। साड़ी पहनने का एक्साइटमेंट इतना रहता है ना कि ऐसे लगता है कि साड़ी पहन लिया तो सब पहन लिया। एक्सेसरीज पहनना वैसे मैं आज पहली बार भूल गई हूँ, वरना तो हमेशा याद ही रहता है, मे बी वीडियो के चक्कर में हुआ होगा। ये नेकलेस मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, अभी फाइनली रेडी है। स्लिपिंग लाइन में करना है।
आयुः अस्तु इति भवन्तः ब्रुवन्तु नः पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। नकुलासहदेवश्च सुकोश मणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः कृष्णद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दग्मो पृथक्पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारय। अभी हम चले फ्रेंड्स के घर। आज इतने बैक टू बैक
इवेंट्स बोलो या क्या बोलो, इतना बैक टू बैक कुछ ना कुछ चालू है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है कपड़े चेंज करने का, अभी इतना थक गए हैं. बट फ्रेंड को सरप्राइज देना ज़रूरी है बिकॉज उसका बर्थडे है. सो वो भी चले उसके घर. खबर आती था ना तो आवा एक्सप्रेशन. जा तूने सोचा था हम लोग आएंगे? अरे यार मेरा तो बिल्कुल भी सूट नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि आज टॉप गया मेरा. बट नेक्स्ट ईयर फिर देखेंगे है ना. पर मैं आई तब तूने कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दिया तो मुझे लगा तुझे पता चल गया होगा. नहीं नहीं दूसरी सोच में थी, मुझे लगा क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है. अच्छा लगा तुझे सरप्राइज? रोने का कंट्रोल करें ना. नहीं रोना मत, अगर नहीं आए होते तो रोई होती ना. लेकिन अब खुशी के आंसू अच्छा. यहाँ पे सब ब्लैक है, मेरे अलावा सब ब्लैक है. हाँ भले बच्ची भी एकदम छोटू सा केक लाया हम लोग बिकॉज रात को खाना खाने के बाद तुरंत हम कट करने वाले थे ना. सो खाती नहीं हूँ मैं भी, नहीं खाती हूँ. निराली और रितुल कितना खाएंगे ना. बाकी एक मिनट अरे यार देने मिठाई है सुशील. डोंट टेल मी मने तो वाओ बुझा बहु भावे तने. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए.